असलम एवरी वन कैसे हैं आप लोग लोगों सब ठीक होंगे वेलकम बैक टू अनदर मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ठीक है टिल नाउ अब तक की सबसे ज्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि हाउ टू लाइटन योर प्राइवेट पार्ट्स ठीक है नेचुरली एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा मास्क बताऊंगी ब्लीच बताऊंगी जो आप लोग अपने पार्ट्स पर लगा सकते हैं उस हर उस जगह पर लगा सकते हैं जहाँ पर आप लोगों को डार्कनेस का इशू है ठीक है बहुत ज़्यादा सेफ़ मास्क है और आप लोगों ने इसे जस्ट अपर लेयर पर अप्लाई करना है और आप लोगों को इतने कमाल के एक यू से ही ना इसके रिजल्ट मिलेंगे आप लोगों ने क्या करना है कि इसे हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ करना है या दो दफ़ा यूज़ करना है इससे ज़्यादा आप लोगों ने इसे यूज़ नहीं करना ठीक है बहुत ज़्यादा जो जिन्हें ज़रूरत है ना वो हफ्ते में दो दफ़ा यूज़ कर लें वरना एक दफ़ा भी मोर देन इनफ है ठीक है तो मैं आप लोगों को मास्क बता देती हूँ कि कौन सा है बहुत ही जबरदस्त है ठीक है आप लोगों ने ना क्या करना कि आप लोग अपनी हाइजीन का ख्याल रखा करें बहुत से डार्कनेस के इश्यूज इसलिए भी होते हैं कि जो होता है ना अनहाइजेनिक प्रॉब्लम होती है लाइक अन हाइजेनिक जो है ना वो कंडीशन की वजह से बिना आपका जो है ना वो एरिया जो है ना कोई भी एरिया है लाइक like, अगर आपके हैंड्स हैं आप लोग इनका ख्याल नहीं रखेंगे वो डर्ट जमा होती जाएगी होती जाएगी तो आपका एक डार्कनेस हो जाएगी ठीक है सरफेस पे एक डार्कनेस आ जाएगी ये बहुत ही नेचुरली एक बात है कि आप लोग जिस चीज़ का ख्याल नहीं ना रखते उस चीज़ पर डार्कनेस हो ही जाती है ठीक है तो आप लोगों लोग को बहुत अच्छा एक मास्क बिताऊँगी तो ब्लीच बताऊंगी यहाँ पर देखें जी ये सबसे पहले हमने एक बाउल ले लेना है अब इसके अंदर ये जो मिक्सचर है ना यहाँ पर मैं वीडियो अटैच कर देती हूँ साथ में ठीक है आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने किस तरह से बनाया मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक चम्मच ने ले लेने चावल ठीक है अगर आप लोगों के पास बॉइल्ड राइस अवेलेबल है ना लाइक फ्रिज में पड़े ही होते हैं ना अक्सर तो आप लोगों ने एक चम्मच वो वाले राइस ले लेने हैं या फिर आप लोग ताज़े भी ले सकते हैं कच्चे जो होते हैं ना चावल वो भी ले सकते हैं ठीक है एक चम्मच आपने वो ले लेने हैं उन्हें आपने बॉईल कर लेना है ठीक है पानी आपने इतना डालना है कि बिल्कुल मैश हो जाए चावल ठीक है जब मैश होने लगेंगे आपने एक चम्मच एक टेबल स्पून के ना शुगर ऐड कर देनी है ठीक है जब इस तरह से पेस्ट उसका बन जाएगा ना एक डो टाइप बनने लग जाएगी ठीक है इस कंसिस्टेंसी में जब आ जाएगी ना इस फॉर्म में आ जाएगी आपकी डो टाइप बनने लग जाएगी फिर आपने क्या करना है कि स्टोव से उतार लेना है ठीक है तो उसके बाद यहाँ पर देखें जी ये इस कंडीशन में आ जाएगा ठीक है ये आपने ले, ले लेना है ठीक है ये हमारी जो है ना ये क्रीम एक हफ्ते की रेडी हो जाएगी लेकिन आपने इसे रिजर्व किस तरह करना है फ्रिज में किस तरह रखना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ ठीक है यहाँ पर देखें जी हमारे पास पेस्ट रेडी हो गया चावल और चीनी का उसके बाद आपने क्या करना है उसके बाद आपने एक चम्मच बेसन इसमें ऐड कर देना है ठीक है बेसन डालने के बाद आपने अब इसका पेस्ट किस तरह, किस तरह से बनाना है लाइक इसको क्रीमी कंसिस्टेंसी में किस तरह से करना है आपने ले लेना जी यहाँ पर देखिए मैंने रोज़ वाटर ले लिया ठीक है यहाँ पर हम एक चम्मच इसमें रोज़ वाटर ऐड करेंगे पहले आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए ना आपने उतना इसमें रोज़ वाटर ही ऐड करना है ठीक है यहाँ पर हमने एक चम्मच इसमें रोज़ वाटर ऐड कर दिया अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें दोबारा से रोज़ वाटर ऐड करेंगे ये देखें जी हमने इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना ठीक है बेसन और जो रोज वाटर ना ये हमारा अच्छे से इसमें मिक्स हो जाना चाहिए ठीक है यहाँ पर देखें जी इसमें हम थोड़ा सा रोज वाटर और ऐड करेंगे अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो है ना वो मेन इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करेंगे जिससे ये एक जो है ना वो अच्छी सी फॉर्म में आ जाएगी देखें जी अगर आप इस क्वांटिटी से बनाएंगे ना तो ये आपके दो हफ्ते जो है ना वो क्रीम रेडी मतलब एक हफ्ता आपकी टू टाइम की क्रीम जो है ना वो बनने के लगाने के लिए रेडी हो जाएगी ठीक है अब आपने क्या करना है कि इतना आके ना आपने इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेना ठीक है एक आपने स्टोर कर देना फ्रिज में अब बाकी का जो पार्ट रह गया ना उसमें आपने क्या करना है जी कि उसमें आपने डाल देना है ब्लीच एक्टिवेटर ठीक है कोई सी भी ब्लीच ले, ले आप लोग फेस ब्लीच जो आती है ना उसका जो एक्टिवेटर होता है ना वो आपने इसमें ऐड कर देना ये देखें जी यहाँ पर मैं ये क्रीम का एक्टिवेटर इसमें ऐड कर देती हूँ क्रीम आपने ऐड नहीं करनी जस्ट एक्टिवेटर ऐड करना है और एक्टिवेटर कितना ऐड करना है आपने हाफ एक्टिवेटर इसमें ऐड कर देना है ठीक है जी यहाँ पर मैंने क्योंकि फुल क्वांटिटी में बनानी है तो हम इसमें फुल डालेंगे अगर आपने हाफ क्वांटिटी में बनानी होगी ना तो आप क्या करेंगे कि इसको हाफ क्वांटिटी डालेंगे पाउडर की ठीक है ये रखें जी ये हमारी बेहतरीन ब्लीच जो है ना वो हो गई है रेडी आप लोग इसे इनर थाइस पर लगा सकते हैं आर्म्स में लगा सकते हैं नेक पर लगा सकते हैं जहां पर मर्जी आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं जस्ट अपर लेयर पर ठीक है ये देखें जी बहुत ही जबरदस्त हमारी जो क्रीम है ना ये हो गई है रेडी अब हम इसे मिक्स करेंगे और जी मैं आपको दिखाती हूँ फिर बाद में ये देखें जी अब हमने जो है ना वो एक्टिवेट इसमें मिक्स कर लेना है और ये हमारी जो है ना वो ब्लीच रेडी हो गई है हो ब्लीच बहुत सेफ है ठीक है आप लोगों ने ये नहीं समझना कि हमने इसमें एक्टिवेटर डाला तो ये बहुत हार्मफुल हो गया हमारे प्राइवेट एरिया के लिए और इस तरह के सेंसिटिव एरियाज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं आप लोग ये यूज़ करें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा ठीक है आपने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना ठीक है ये देखें जिस तरह से आपने ये क्रीम ब्लीच रेडी कर लेनी है अब क्या करना है कि आप आपने इसे अप्लाई करना है अप्लाई किस तरह से करना है आपने जस्ट सिंपली उस एरिया पर इसे इस तरह से पेस्ट को लगा देना ठीक है हल्के हाथों से आपने मसाज करना इस तरह से और फिर इसे लगे रहने देना है ठीक है बीस से पच्चीस मिनट के लिए आप लोग इसे लगे रहने ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन यह कि इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं जब आप लोग ये यूज़ करेंगे ना आपको इतने अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे ना ये देखें आपने जस्ट इस तरह से हल्का हल्का मसाज करना है और फिर इसे आपने लगा रहने देना है ठीक है अबाउट ट्वेंटी मिनट्स के लिए आप लोग इसे छोड़ दें और फिर आप लोग इसे वॉश कर लें एक ही वॉश में आपको बहुत इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ठीक है तो आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर ठीक है जी वीडियो को लाइक जरूर जरूर कर दिया करें तो आई होप के जो है ना वो आपने वो लोगों ने वीडियो को लाइक अभी तक कर लिया होगा तो जनाब मिलेंगे इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ अपना ख्याल रखें और जनाब दुआओं में याद रखें टेक केयर अल्लाह हाफिज़ और ये देखें इसकी कॉन्सिस्टेंसी फूल गई है ये क्रीम तो ये आप लोग यूज़ करिएगा कमाल की क्रीम है ठीक है जी आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और उन सब बहनों की रिक्वेस्ट पूरी हो गई होगी जो लोग मुझे कहते थे कि हमें बहुत अच्छी सी रेमेडी बता दें हमारी डार्कनेस के लिए तो ये ही वो रेमेडी है जो